मतलब कि फिर टाइम लगता है, तो चला गया है इसलिए 10 मिनट के बाद जो खिड़की है वो खुलेगी फिर से, और इधर पे हम लोग के रेलवे वालों का ही ऑपरेशन होता है, और इस साइड में जो है वो नॉर्मल टिकट काउंटर है जहाँ पे नॉर्मल टिकट काटी जाती है। फिलहाल और आधे घंटे का काम है, उसके बाद काम हो जाएगा। साथ में मेरे मम्मी आ रही है, थोड़ी देर के बाद हम भी जाएंगे। मेरा काम हो गया है और मैं मम्मी के साथ बैठी हूँ और जा रही हूँ।
हाय मैं सोच रही थी कि हमें बोल क्यों नहीं रही है और मैंने बोल दिया शाम को देखना पे शाम को पढ़ाना है उसको तो आज शाम को अनुभव को पढ़ाना है क्योंकि इसका एग्जाम चल रहा है और मम्मी को बहुत जोर की भूख लगी इसलिए मम्मी बहुत जोर जोर से गाना गा रही है फाइनली मैं आ गई हूँ और मैंने टिकट का रिजर्वेशन करवाई और इसमें है जो मैंने शॉपिंग करी है वो है और मैं आके थोड़ा रिलैक्स करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो है हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हो गई है शाम और मैं हो रही थी तैयार क्योंकि मुझे जाना है अनुभव को पढ़ाने के लिए। तो जैसे कि मेरी डेली रूटीन होती है और अभी मैं तैयार हो रही थी तो आईना एक्चुअली इधर पे है तो मैं तैयार हो रही थी और मैं जाऊँगी अब तो मैं लाइट्स वाइट्स ऑफ कर लूँ और मुझे लगा कि अभी से आप लोगों से बात करना स्टार्ट करूँ क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं हो पा रही हैं। तो थोड़ी देर में मैं निकलूँगी, बस मम्मी का वेट कर रहा है। आज मेरी सिस्टर जो है रोटी बना रही है और मम्मी लेकर आई है, क्या लग रही है? ओह, ये न्यू स्टाइल का कुरकुरे है। तो कहाँ रखूँ? तो बस मम्मी के साथ जाऊँगी नीचे फ्लोर पर, एक पानी का बोतल लेना है क्योंकि मैं उनके घर का पानी नहीं पीती और लाइट्स ऑफ है इस वजह से ऐसा कुछ लग रहा है। और फिलहाल आज मैंने पहना हुआ है ये पटियाला, बहुत टाइम के बाद मैंने पहना है इसे और आज मैंने कानों में ऐसा कुछ पहना हुआ है जो कि ये सब स्टोन होता है वो उल्टे में होता है और एक स्टोन पर सामने में रहता है। No, I'm not.
और अब हम इन कर रहे हैं घर के भीतर, और पहले ऑन कर दिया है लाइट और पंखा। लेट लगा दूँ? मीठी सी खुशबू आ रही है क्या हाथ मोम? बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, होगा कुछ। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ मेरे घर पे और ये रहा मेरा पेन। तो हाँ जा रही हूँ, पता नहीं पीछे बंद कर लेने के बाद कैसे लगता है। और ये क्लचर मेरा आभा के पास था तो उसने मुझे आज दिया। और पूरा जो लाइट है वो ऑफ है और सारे कपड़े वैसे ही बिखरे पड़े हुए हैं जो कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। तो नॉर्मली घर ऐसा ही होता है, हमेशा सब कुछ परफेक्ट हो वो जरूरी नहीं है। तो इन सबको लेके ही एक घर बनता है, क्योंकि सब कुछ सही हो तो लगेगा कि नहीं आप दिखा, मतलब कि दिखा रहे हो कि नहीं सब कुछ परफेक्ट है, पर वैसा नहीं होता। रियलिटी वो है जो हो रहा है और आप जो दिखा रहे हैं ऐसा कुछ। फिलहाल मैंने मेरे बालों को ऐसे खोल लिया है और कुछ ऐसा लुक लग रहा है पटियाला के साथ मेरे सलवार कमीज का, और बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदे से लग रहे हैं मुझे तो कुछ ऐसा है। और बैक बहुत ज़्यादा डीप है इसका, तो मैं आई थिंक कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। बैक है कुछ इस टाइप का, और ये इसको मैंने थोड़ा सा लूज कर लिया है क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट हो गई थी। और ये इस कुर्ती को पटियाला को मैंने 2012 में सिलवाया था, तो ये अबाउट 6 इयर्स ओल्ड ये मेरी जो सलवार कमीज है पटियाला है। तो कुछ ऐसे हो, ये था दुपट्टा इसका। तो ज़्यादा आवा वा मत करो। और इसको हम लोग मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, तो या सामने से, तो मैं कभी जब बहुत ज़्यादा बिजी रहती कुछ करना होता है तो मैं इसको पिन कर लेती हूँ कि ज़्यादा बार बार एक रेडी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लेती हूँ तो इट्स नॉट कंपल्सरी नेसेसरी। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप इसे कैसे यूज़ करो। तो कुछ इस टाइप का होता है। तो आज सुबह से मैं भी थोड़ा बिजी थी, बाहर गई थी और काम था। तो आज मैं बॉम्बे वाला टिकट करवाने गई थी जो कि हो चुका है, तो वो भी टिकट कन्फर्म है। तो फिलहाल जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि दीपावली में हम लोग दिल्ली में रहेंगे और वहाँ पर इन्जॉय करेंगे। तो मैं ये भी बताऊँगी कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ पर जा रहे हैं और क्या करना है हम लोगों को। तो ले देखिए आज का ये काम था। और शाम को फिर मैं पढ़ाने गई थी और आते आते मुझे घर तो लगभग 4 बज गए थे शाम के, तो 4:30 बजे तो हम लोग का बस लंच ही हुआ था। उसके बाद फिर इधर उधर के काम और फिर थोड़ा सा मुझे मैं रेस्ट करी और उसके बाद मैं पढ़ाने चली गई। और फिलहाल तो अभी का जो भी है स्टेटस तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं ज़्यादा कुछ और नहीं करती हूँ और मेरा आज का जो ये वीडियो है इसको यही एंड करती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और कल फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ और अच्छी अच्छी बातें होंगी। और शायद आज मैं कपड़ा नहीं दिखा पाऊँ जो मैं लेके आई हूँ, तो कल सुबह पक्का मैं कल सुबह पक्का आप लोगों को दिखाऊंगी जो आज मैं मार्केट से लेके आई हूँ, जो पुरानी वाले जो भी कपड़े हैं वो तो पक्का दिखाऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, सो ड्रीम्स, टाटा।